सियासी यात्राएं जो एक साधारण नेता को महान नेता बनने का रास्ता दिखाती है, तो कई बार मरते हुए नेताओं को नया जीवन भी दे देती है। इसी कारण सियासत की नगरी में यात्राओं का चलन हमेशा से रहा है और इन यात्राओं की अहमियत भी अच्छी खासी है, क्योंकि ये जनता से जुड़ने के लिए या अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है जो नेताओं को लुभाता है। इसी का नतीजा है कि आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में आधा दर्जन से अधिक नेताओं की सियासी यात्राएं जनता के दिल को छूने के लिए निकली हुई है। ऐसी ही एक यात्रा पिछले साल शुरू हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा। ये वो सियासी यात्रा है जिसने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से जान फूंक दी थी। इस यात्रा ने सभी पार्टियों के बीच एक हलचल पैदा कर दी थी कि कहीं इस नेता या इस पार्टी का कहीं पुनर्जन्म ना हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। राहुल गांधी ने पिछले साल 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जिसमें राहुल गांधी ने पार्टी के कई नेताओं के साथ मिलकर करीब 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी यात्रा की थी। लेकिन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ये यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए 20 मार्च को महाराष्ट्र में समाप्त होगी। बता दें, भारत न्याय यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल गांधी 6200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा का सफर तय करेंगे। बुधवार को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि भारत न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। बता दें, भारत न्याय यात्रा से पहले नागपुर में 28 दिसंबर को पार्टी कांग्रेस के स्थापना दिवस पर महारैली करने जा रही है, जिसका नाम है तैयार है हम रखा गया है। लेकिन पार्टी अब जो ये भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है, उससे देखने लायक होगा कि कांग्रेस की इस भारत न्याय यात्रा से पार्टी को कितना चुनावी फायदा मिलता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज। नमस्कार।